यहाँ एक फैमिली अपनी बेटी के साथ एंजॉय कर रही थी, तभी उनकी बेटी जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे एक छोटा सा डायनासोर मिलता है। वो लड़की इसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ मांस का टुकड़ा देती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे डायनो आ जाते हैं और लड़की चीखने लगती है क्योंकि वो सभी मिलकर अब उसको खा रहे थे। अब ये लोग GPS की हेल्प से सैरा को ढूंढने लगते हैं कि रास्ते में इन्हें स्टेगोसोरस का झुंड मिल जाता है और निक उसकी फोटोज निकालने लगता है और यहाँ इन्हें सैरा भी मिल जाती है। सैरा इन्हें देखकर काफी खुश होती है। वो बोलती है, मैंने पता लगा लिया है कि ये बिना लाइजन के जिंदा कैसे हैं। दरअसल शाकाहारी डायनासोर लाइजन वाली वनस्पतियों को खाते हैं और मांसाहारी डायनासोर शाकाहारियों को खाते हैं। तभी वहाँ एक बेबी स्टेगोसोर आता है और सैरा उसके करीब जाकर उसकी फोटो क्लिक करती है और कैमरा की वॉइस से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डायनासोर का झुंड सैरा पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे सारा वहाँ से बच निकलती है। इसके बाद ये लोग वापस अपनी वैन तक आ जाते हैं, जहाँ इन्हें कैली मिलती है जो बोट में छुपकर यहाँ तक आ चुकी थी। अब मैलकॉम गुस्सा हो जाता है, वो कैली को वापस भेजने के लिए कॉल मिलाता है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं होते। सारा काफी खुश थी कि उसके लिए मैलकॉम यहाँ तक आया और वो उसे काम डाउन करती है। तभी पीटर भी अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाता है और ये लोग पीटर की टीम को देखकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल पीटर यहाँ डायनासोर का शिकार करके उन्हें पकड़ने आया था। इसकी टीम को रोलैंड लीड कर रहा था, जो कि एक महान शिकारी होता है। अब ये लोग अपनी टीम के साथ डायनासोर का शिकार करते हैं। सबसे पहले ये एक बेबी डायनासोर को पकड़ते हैं, उसके बाद एक बड़े वाले को पकड़ लेते हैं और उसे पिंजरे में डाल देते हैं, और ऐसे ही ये बहुत सारे डायनासोर को पकड़ लेते हैं। इनकी सारी हरकतें मैलकॉम की टीम भी छुपकर देख रही थी। अब रोलैंड को टी रेक्स के पैर का निशान मिलता है। दरअसल ये लोग खास तौर पर टी रेक्स को ही पकड़ने आए थे। अब रोलैंड एक बंदे को साथ लेकर उसके घोंसले तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ टी रेक्स का बच्चा ही मिलता है। लेकिन उसका खुराफाती दिमाग एक प्लान बनाता है और वो टी रेक्स के बच्चे को पकड़कर बांध देता है। मैलकॉम भी ये सब देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि हैमंड उन्हें यहाँ जल्द से जल्द क्यों भेजना चाहता था। इधर कैंप में पीटर पकड़े हुए डायनासोर्स को अपने पार्टनर्स को दिखा रहा था। दरअसल पीटर का प्लान सैन डिएगो में जुरासिक पार्क बनाना था, लेकिन बाहर मैलकॉम अपनी टीम के साथ उनके कैंप में आता है और सारे जानवरों को खोल देता है, और गुस्से में भन्नाए हुए डायनासोर पूरा कैंप तहस नहस कर देते हैं। और यहाँ से एक जलती हुई कार रोलैंड की तरफ गिरती है, जिसे देख वो लोग पेड़ से कूद जाते हैं और वहाँ से निकल भागते हैं। इसके बाद निक उस बेबी के पास पहुँचता है और उसे लगी चोटों को देखकर वो उसे अपनी वैन में ले आते हैं, और यहाँ पर सैरा देखती है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है और ये दोनों उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मैलकॉम कैली को लेकर एडी के पास ऊपर पेड़ पर बने मचान पर चला जाता है ताकि कैली सेफ रहे, लेकिन तभी उसे वैन की तरफ आते टी रेक्स दिखाई देते हैं और मैलकॉम तेजी से वैन की तरफ भागता है ताकि सारा को बचा सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उनकी वैन को दो टी रेक्स घेर लेते हैं। अब सैरा उन्हें उनका बच्चा लौटाने का फैसला करती है और वो दोनों टी रेक्स अपना बच्चा लेकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो वापस आकर इनकी वैन पर अटैक कर देते हैं, जिससे इनकी वैन पहाड़ी से नीचे लटक जाती है और सैरा शीशे पर गिरती है, जिससे शीशा झटकने लगता है। लेकिन इससे पहले वो खाई में गिरे, मैलकॉम उसे पकड़ लेता है। अब एडी इनकी मदद करने के लिए वहाँ आता है और वो रस्सी को पेड़ से बांधकर वैन में फेंक देता है, जिससे ये लोग ऊपर आ सकें, और एक दूसरी रस्सी से वैन को अपनी जीप से बांध लेता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दोनों टीरेक्स वहां पर आ जाते हैं और एडी के दो टुकड़े करके खा जाते हैं, और इसी के साथ वैन नीचे गिर जाती है, लेकिन ये तीनों रस्सी की वजह से बच जाते हैं। इस घटना के कुछ देर बाद पीटर अपनी टीम के साथ वहां आकर इन्हें बचा लेता है। अब मैलकॉम पीटर को ये सब बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन पीटर उसकी एक भी बात नहीं मानता। इनके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और इनके ट्रांसमीटर भी खराब हो चुके थे। तब पीटर बोलता है कि यहाँ हैमंड की लैब भी है और वहाँ से हम शायद कोई मदद मंगा सकें। उसके पास इस आइलैंड का नक्शा भी होता है, जिस पर देखकर वो कहता है कि यहाँ से लैब एक दिन दूर है और हमें आइलैंड के बीच से जाना होगा। इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। अगली सुबह ये लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं और इनका एक साथी हल्का होने एक तरफ चला जाता है और वहाँ पर उसे वही छोटा डाइनो मिलता है। अब उसे भगाने के चक्कर में वो खुद रास्ता भटक जाता है। हालांकि वो हेल्प के लिए कार्टर को आवाजें लगाता है, लेकिन कार्टर हेडफोन में गाने सुन रहा था, इसलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अब ये ऐसे ही भटकते हुए नीचे गिर जाता है और वो छोटे डायनासोर उस पर चिपट जाते हैं। हालांकि ये बचने की पूरी कोशिश करता है और वहां से उठकर दोबारा भागता है, लेकिन इनका झुंड उसे मार ही देता है। इसके बाद रोलैंड कुछ लोगों को साथ में लेकर इसे ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे इसकी लाश मिलती है और ये खबर सबके लिए बहुत बुरी थी। अब रात में जब ये सब सो रहे थे, तभी वहाँ पर टी रेक्स आ जाता है और उसके आने से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सब लोग जान बचाने को भागते हैं और कुछ लोग झरने के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट सांप की वजह से थोड़ा सा आगे आता है और टी रेक्स उसे खा लेता है।
अब ये मंजर देखकर कैली बहुत डर जाती है, लेकिन तभी मेलकॉम वहां आ जाता है। जबकि वहां से कुछ दूर रोलैंड नशे के इंजेक्शन मारकर एक टीरेक्स को पकड़ लेता है। उसके बाद ये लोग जान बचाकर घनी झाड़ियों में भागने लगते हैं और यहाँ पर रैप्टर्स का झुंड इन लोगों पर अटैक कर देता है। वो इनकी तिक्का बोटी एक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मेलकॉम अपनी टीम के साथ यहाँ आता है और रैप्टर्स की आवाजें सुनकर ये लोग तेजी से भागते हैं और भागते हुए सीधे हैमंड की लैब में चले जाते हैं। अब यहाँ से निक इंजन को ऑफिस कॉल करके मदद मंगाता है और तभी यहाँ पर रैप्टर्स आ जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से भी भागने लगते हैं, लेकिन वो रैप्टर्स इनके पीछे लग जाते हैं। आखिर में ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक रैप्टर भी ऊपर आ जाता है। इसके बाद कैली अपनी जिमनास्टिक की कला से उसे नीचे गिरा देती है और नीचे निकली हुई रोड पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ रेस्क्यू टीम आकर इन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। उसके बाद पीटर रोलैंड को इनाम देने की बात करता है, लेकिन रोलैंड यहाँ हुए खून खराबे से परेशान था। वो बोलता है कि तुम ये खूनी खेल अब बंद कर दो। इसके बाद पीटर सैन डियागो आकर अपने पार्क की ओपनिंग करने के लिए टीरेक्स का वेट करता है, जिसे इनकी शिप वहाँ ला रही थी। मेलकॉम और सेरा इसे रोकने आते हैं। तभी वहाँ गार्ड इनसे कहता है कि शिप करीब आ चुकी है, लेकिन वो रुक नहीं रही बल्कि फुल स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है। पीटर के लोग शिप पर कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता और इतने में शिप आकर पोर्ट से टकरा जाती है। अब मेलकॉम और बाकी लोग उस पर चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ चारों तरफ लाशों के टुकड़े पड़े होते हैं। इतने में एक गार्ड से टी रेक्स का पिंजरा खुल जाता है और टी रेक्स शिप से उतरकर शहर में तबाही मचाने घुस जाता है। दरअसल पीटर उसके बेबी को भी यहाँ ला चुका था और वो उसे ही ढूंढने के चक्कर में पूरा शहर तोड़ रहा था। इधर मेलकॉम पीटर पर दबाव बनाकर उससे बेबी रेक्स का पता पूछ लेता है और उसके बाद ये लोग रेक्स के बेबी को कार में रखकर टी रेक्स के सामने जाते हैं। अपने बच्चे की स्मेल मिलते ही वो इनके पीछे लग जाता है और ये लोग उसे वापस शिप तक ले आते हैं और उसका बेबी पिंजरे में डाल देते हैं। वहीं पीटर इनसे रेक्स का बच्चा छीनने के लिए खुद भी पिंजरे में चला जाता है और पीछे से टी रेक्स वहाँ पहुँच जाता है और पीटर को अधमरा करके बेबी टी रेक्स के आगे डाल देता है और उसके बाद वो पीटर को खा जाता है। तभी सेरा टी रेक्स को बेहोश करके उसे वापस से बंद कर देती है। अगली सुबह की न्यूज़ में बताया जाता है कि इस टी रेक्स को वापस उसी आइलैंड में भेज दिया गया जहाँ से इसे लाया गया था और इस मोमेंट पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें।